हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. दिस इज योर मेंटर राजेश नाग दिवे. 25 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड वी आर डिस्कसिंग द कोर्स सीक्वेंस एंड सीरीज. फाइन. इन दिस वीडियो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिक मीन. ओके, इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव फिनिश्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक मीन, एंड आफ्टर दैट we also finished geometric progressions, various properties related to the geometric progressions. Fine. So now we will discuss about the geometric mean. Geometric mean. अब आपको मैं यहाँ पे कुछ एक ऐसा भी टेक्निक बताऊंगा. क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन आपने देखा, और अरिथमेटिक मीन में अब आप जब अरिथमेटिक मीन फिनिश कर चुके हैं, तो जो इंसर्ट करना है एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो वो आप प्रोसेस को अगर प्रोसेस से फॉलो किए होंगे तो आप भूल गए होंगे, है ना. तो मैं अब आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से ये अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, उनकी प्रॉपर्टीज जो भी है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू एंड बी, उसी प्रकार से ज्योमेट्रिक मीन में. तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले मैं अरिथमेटिक मीन की बात करता हूँ. तो अरिथमेटिक मीन में आपने देखा कि ए बी और सी अगर ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है, पहला बार इम्पोर्टेंट वन, ठीक है कि नहीं. और यहीं से मुझे b मिल जाता है जो a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है, करेक्ट है. और इस b को मैं क्या बोलता हूं, अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c, ये हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c, करेक्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अच्छा साहब, यहां पर तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर मैं gp में आऊंगा तो जीएम की बात करूंगा, अगर ए बी सी जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो क्या हो जाता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये चीज ठीक है. ये कैसे आया, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, इससे आया. तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, करेक्ट है ना, ये बात तो हमने देख चुके हैं. तो यहां से बी मुझे मिला रूट ए सी, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, ए सी की पावर 1/2. तो अब ये जो बी है वो जीएम है, जीएम ऑफ ए एंड सी. तो देखो, बी यहां पर एम ऑफ ए एंड सी है और यहां भी जीएम ऑफ ए एंड सी है, और हम बात कर रहे हैं थ्री क्वांटिटीज में, ए बी एंड सी. कितनी क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, थ्री क्वांटिटी में, ए बी एंड सी. तो ये बी जो है वो अरिथमेटिक मीन है ए और सी का, ये बी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए एंड सी का, कब, जब ए बी सी ए पी में और ए बी सी जी पी में, करेक्ट है कि नहीं. हाँ, तो ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको हम जीएम बोलते हैं. तो जीएम कैसे निकालते हैं, दो क्वांटिटी का, अगर दो क्वांटिटी ए और सी है तो उसका जीएम ए इंटू सी का पावर 1/2 होगा. जैसे यहां हमने देखा था कि ये तो नंबर वन पॉइंट, नंबर टू पॉइंट्स एम ऑफ थ्री क्वांटिटी मैंने ले लिया ए बी एंड सी, तो एम क्या होता था इनका, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया एम, करेक्ट है. जैसे दो क्वांटिटी का एम कैसे हुआ, दोनों को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया. तीन क्वांटिटी का एम क्या हुआ, ए तीनों को ऐड कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया. वैसे ही यहां पे भी जीएम ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू क्या होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करो और ए बी को सी से मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो. जैसे यहां दोनों को मल्टीप्लाई किया था, वैसे यहां तीनों को मल्टीप्लाई किया था, दो क्वांटिटी तो पावर में 1/2, तीन क्वांटिटी है तो पावर में 1/3, ये हो जाएगा जीएम ऑफ ए बी एंड सी, करेक्ट है, प्लीज नोट इट. वैसे ही यहां पे हमने अरिथमेटिक मीन ऑफ एन क्वांटिटी देखा था, जैसे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन डिवाइडेड बाई एन, सबको ऐड कर दीजिए, एन से डिवाइड कर दीजिए. वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जो जीएम होगा ना एन क्वांटिटीज का, वो हो जाएगा एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू एक्स एन अप टू दी एक्स एन, और पावर में आ जाएगा वन अपॉन एन. गॉट द पॉइंट? सो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट द जीएम ऑफ टू क्वांटिटीज, थ्री क्वांटिटीज आर एन क्वांटिटीज. करेक्ट है? तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये साथ साथ चलना चाहिए. अब मैं आपको इंसर्ट करने वाला तरीका भी बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और कुछ जनरल से प्रॉब्लम भी देखते. नोट कर लीजिए प्लीज. नोट करते जाइए. तो देखो, जीएम में फाइंड जीएम ऑफ 144 एंड 36, ये दो क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनका मेरे को जीएम निकालना है. तो जीएम निकालना है, इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूं. दो क्वांटिटी है मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसकी पावर मुझे 1/2 लेना पड़ेगा. करेक्ट है? यहां से निकलेगा स्क्वेयर रूट ऑफ 144 12, और यहां से निकलेगा स्क्वेयर रूट ऑफ 36 मतलब 6, आंसर आएगा 72. तो ऐसे हम दो क्वांटिटी का जीएम निकाल सकते हैं. दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं. फाइंड जीएम ऑफ, दूसरा ले लो, फाइंड जीएम ऑफ 2, 4 एंड 8. 2, 4 एंड 8 कितने क्वांटिटीज है? थ्री क्वांटिटीज है. तो जीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू 8, थ्री क्वांटिटीज है, तो पावर में कितना आ जाएगा? 1/3. ठीक है? तो अब यहां पे देखेंगे 64 होगा, ये 64 की पावर 1/3, इसको आप लिख सकते हैं 4. 64 की पावर 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा. अब आप समझ गए होंगे कि दो क्वांटिटीज है तो उनका जीएम कैसे निकालेंगे, तीन क्वांटिटीज है तो उनका जीएम कैसे निकालेंगे, और एन क्वांटिटीज है तो उसका जीएम हम कैसे निकालेंगे. ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, प्लीज मेक द नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओके फाइन. एक और क्वेश्चन देखते हैं. इफ ए माइनस वन इज जीएम, इफ ए माइनस वन इज जीएम ऑफ ए माइनस टू एंड ए प्लस वन, ए माइनस टू एंड ए प्लस वन, फाइंड ए. इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं. ठीक है, पहले से दे दिया है कि ए माइनस वन ये जीएम है, किसका? ए माइनस टू और ए प्लस वन का. तो ए का वैल्यू निकालिए. अब देखो, ए माइनस वन अगर जीएम है तो ए माइनस वन का स्क्वेयर इक्वल टू, स्क्वेयर कर देते डायरेक्टली, इक्वल टू, तीन ही क्वांटिटी है तो ये ए माइनस टू इंटू ए प्लस वन होगा. जीएम है तो इसका मतलब जीपी बनेगा, है ना? या आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू, या आप ए माइनस वन इक्वल टू ए माइनस टू इंटू ए प्लस वन की पावर 1/2, है ना? फिर स्क्वेयरिंग करेंगे तो इधर का पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वेयर हो जाएगा. ठीक. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने में कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, यहां से सिंपली ए मिल जाएगा और ए का वैल्यू हो जाएगा 3. ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया. आपने क्या किया है, ये जीएम है इन दोनों का, ये जीएम है दोनों का, मतलब ये बीच में आ जाएगा इन दोनों के और वो जीपी बन जाएगा. डायरेक्टली आप वो निकाल सकते बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी. नहीं, हाँ बिल्कुल सही. ठीक है, ओके. तो देखिए, ये हमने जीएम का कॉन्सेप्ट खत्म किया है यहां पर. अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि कैसे हम कितने भी
नंबर ऑफ जीएम इंसर्ट कर सकते हैं दो क्वांटिटी के बीच में, ठीक है, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में किया था। देखो पहले हम एपी वाला कॉन्सेप्ट को लेते हैं। एपी वाले कॉन्सेप्ट में क्या हुआ था उसको चेक आउट करते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ में चलना चाहिए। इनफैक्ट दोनों नहीं, तीनों साथ में चलेंगे, एएम, जीएम और एचएम। ये तीनों जब तक के साथ में आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि मिक्स प्रॉब्लम आने वाला है। एएम जीएम अभी आपने 2014 मेंस का क्वेश्चन देखा था, उसमें भी हमने इस बात के ऊपर डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस में एएम का भी कॉन्सेप्ट है और जीएम का भी कॉन्सेप्ट है, करेक्ट है। तो अब एएम में हमने क्या देखा था वहां पर कि अगर ये ए है और इनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हैं, एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए ए और बी के बीच में, ए और बी दो क्वांटिटी है और ये एन अरिथमेटिक मीन्स है, एन अरिथमेटिक मीन है ना, इंसर्ट किए है, तो यहां से मुझे इस ए वन ए टू ए थ्री और ए एन को निकालने के लिए पहले डी की आवश्यकता होती थी। अब डी का फॉर्मूला आज मैं अगर पूछता हूँ इस क्लास में आपको, तो आपने ये टॉपिक कर लिया, लेकिन अब डी के फॉर्मूला को अगर मैं पूछूं तो आप लोग गड़बड़ करेंगे कि सर वो डी का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। तो डी का फॉर्मूला ये था कि बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ये डी का फॉर्मूला था। अब ये तो क्या याद करने वाली बात, और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अब पूछूंगा मैं तो आप नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्टली करेक्ट है ना। हाँ, तो ये सब टेक्निक्स को अब मैं हटा दूंगा और आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकते या जनरेट कर सकते इमीडिएटली, वो बताने वाला हूँ। एक तो ये चीज था, तो यहां से मुझे ए वन, ए वन आपका सेकेंड टर्म है, ये पूरा एपी बनता है। हाँ, जब ये एन अरिथमेटिक मीन्स ए और बी के बीच में इंसर्ट किए है, तो ये अरिथमेटिक मीन ये ए और ये बी मिलाकर एपी बनाते हैं। अब यहाँ पे एन अरिथमेटिक मीन है, ये एक और ये एक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू होते, उससे हमने निकाला था। तो ए वन तो एपी के हिसाब से ए प्लस डी हो जाएगा, ए टू आपका ए प्लस टू डी होता था, और वैसे ही ए एन होता था ए प्लस एन डी। अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं, ये अरिथमेटिक मीन्स की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं। अच्छा साहब, इसके बाद में एक रिजल्ट और देखा था हमने, एक रिजल्ट क्या देखा था, इसको वन मान लीजिए और इसको टू मान लीजिए, और तीसरा रिजल्ट ये देखा था कि अगर सभी अरिथमेटिक मीन जो ए और बी के बीच में इंसर्ट किए हैं उनका अगर मैं सम करूं तो वो एल टाइम्स ए और बी का जो सिंगल अरिथमेटिक मीन्स होता है उसके बराबर होता है। अब ये रिजल्ट आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है साहब, ठीक है, ये तीनों रिजल्ट्स हमने देखा था। अब मैं आपको इसी के लिए कुछ दूसरे टेक्निक्स बताता हूं जिससे कि ये इमीडिएटली याद हो जाए, और फिर उस टेक्निक के बेस पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्योमेट्रिक मीन से संबंधित रिजल्ट या ज्योमेट्रिक मीन कैसे इंसर्ट करना है उसको हम चेकआउट कर लेंगे। ये देखिए, ये डी निकलते ही फिर ये अरिथमेटिक मीन जो इंसर्ट करना है ए और बी के बीच में वो सारे निकल जाते हैं, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, अब आप देखेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए सारे बंदे को ये चीज तो मालूम होता है कि जनरल एपी क्या होता है, जनरल एपी सबको मालूम होता है, ठीक है, ये कभी नहीं भूलेगा कि ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस टू डी लाइक दैट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको थोड़ा सा आगे जाना है, ये तो जनरल एपी है और ये आपका टी एन है, एनथ टर्म है, ये एनथ टर्म है, ठीक है, और देखिए ए आपका फर्स्ट टर्म बन गया, ठीक है सर, फर्स्ट टर्म बन गया, ए आपका क्या बन गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ब्रॉडर वे में लिखता हूं तो आपको आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले ये पॉइंट्स को तो आप नोट कर लीजिए, आपके पास में नोट होगा फिर से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको ब्रॉडर वे में लिखता हूं, ठीक है। डी इक्वल टू क्या, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ए वन कैसे निकालना है, ए प्लस डी, ए टू कैसे निकालना है, ए प्लस टू डी, ए एन कैसे निकालना है, ए प्लस एन डी। और ये एक प्रॉपर्टी होगी कि जितने भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते, जैसे मैंने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया ए और बी में, उन सबका सम इज एन टाइम सिंगल अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ये चीज को हमने चेकआउट किया था, ठीक है। अब मैं सब इसको मिटा देता हूं और फिर इन सारी चीजों को इजिली निकालता हूं इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो देखिए, आप कोई भी हो, सब लोग जनरल एपी तो जानते ही है,
जनरल एपी, इसको तो नहीं भूलता कोई भी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, लाइक दैट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जनरल एपी है, जिसमें से ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है सब, फर्स्ट टर्म ए हो गया, ठीक है, एपी के हिसाब से। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी एपी में, कि एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर छोड़ दिया जाए लास्ट, तो बाकी के जो टर्म्स है ना वो एक्चुअली में अरिथमेटिक मीन होते हैं अपने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के, करेक्ट है, अपने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के अरिथमेटिक मीन होते हैं। तो अब क्या करो, देखो ये तो आपका टी एन टर्म था, ये टी एन एन एच टर्म था, टी एन था, करेक्ट है कि नहीं, मतलब एन एच टर्म बोल दो, ये एन एच टर्म। अब थोड़ा सा दो स्टेप आगे चले जाओ, देखो एन एच टर्म है तो यहाँ एन माइनस वन है, थर्ड ये फोर्थ टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म होता है तो यहाँ थ्री होता है, तो इसके आगे का टर्म एन प्लस वन एच टर्म होगा, तो वो हो जाएगा ए प्लस एन प्लस वन एच टर्म होगा, तो यहाँ एन आएगा एन डी, और इसके आगे का टर्म होगा ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, करेक्ट है क्या। अब यहां तक के एन एच टर्म है, ये एक टर्म और जोड़ा, ये एक टर्म और जोड़ा, मतलब टोटल टू टर्म्स मैंने ऐड किए, करेक्ट है, और ये ए प्लस एन डी की होगा, समझ में आएगा, क्योंकि एन प्लस वन एथ टर्म है, और ये एन प्लस वन इंटू डी की होगा, क्योंकि एन प्लस टू एथ टर्म है, एन प्लस वन एथ टर्म, एन प्लस टू एथ टर्म, ये सारी चीजों को हमने देख लिया। और इसको डियर स्टूडेंट्स एक नया क्वांटिटी बी मान लो, इसको भी मान लिया, करेक्ट है, अब हो गई बात क्लियर। तो अब इन दोनों को देखिए, ये ए और बी दो क्वांटिटी है, ए और बी दो क्वांटिटी है, और इनके बीच में ये सारे अरिथमेटिक मीन है, इनके बीच में ये सारे अरिथमेटिक मीन है, तो ए वन निकल गया, ये ए टू निकल गया, ये ए थ्री निकल गया, हाँ, और ये आपका ये वाला, ये आपका ए एन होगा, ये ए एन माइनस वन वाला अरिथमेटिक मीन होगा, ये एन होगा। तो यहां से लेके यहां तक कि ये अरिथमेटिक मीन है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, करेक्ट है, और अपने आप ए वन का फार्मूला मिल गया, ए टू का फार्मूला मिल गया, ए थ्री का फार्मूला मिल गया, ए एन का फार्मूला मिल गया, ए एन का क्या फार्मूला मिल गया, यहां से देखो ए प्लस एन डी, करेक्ट है, हाँ, और ए वन का क्या फार्मूला मिला, ए प्लस डी, ए टू का क्या फॉर्मूला मिला, लाइक दैट। अब रही बात डी की, डी कैसे निकालेंगे, तो डी यहां से आ जाएगा, इसको बी माने थे, इसको बी माना है ना आपने, तो बी इक्वल टू क्या है बोलो, बी इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, तो यहां से डी आ गया, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू डी, लास्ट वाले टर्म्स को, ये हो गया काम खत्म। और यहीं से अब आप वो रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, कौन सा रिजल्ट, एक देखो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, इसको रिजल्ट निकालना है, ए वन का वैल्यू कितना है, ए प्लस डी है, ए टू का वैल्यू कितना है, ए प्लस टू डी, लिख दो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, लाइक दैट, ए प्लस एन डी, तो एन टर्म्स है, तो ए आपका एन टाइम्स आया है, डी कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस टू अप टू दी एन चलेगा, तो ये एन ए हो जाएगा, डी को भी रिप्लेस करो, डी क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और वन प्लस टू प्लस एन, इसका फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये कैंसिल हो गया बेटा, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एन ए प्लस एन बाई टू इंटू बी माइनस ए, एन बाई टू कॉमन लिया तो यहाँ टू ए प्लस बी माइनस ए बच जाता है, तो ये हो जाता है एन बाई टू, टू ए मतलब ए प्लस बी, ये हो गया, आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये सारी टेक्निक्स आपने बहुत आसानी से कर लिया सारा प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, जीएम में भी यही टेक्निक को लगा लेंगे, तो क्या हो गया कि अलग अलग, हालांकि हमने उसमें समझ लिया था कि कैसे एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, हाँ, उनके सम का क्या रिजल्ट निकालना है, लेकिन अब जब कुछ दिन हो जाते हैं ना तो बच्चा यहाँ अटक जाता है, कहाँ डी में, ये वाले फार्मूले में, ये फार्मूला प्रॉपरली नहीं लगा पाता है तो डी का प्रॉब्लम आ जाता है उसका, ठीक है। तो अब आपको डी कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा,
और फिर अब एएम के साथ में अब जीएम भी तो आने वाला है, तो फिर चीजें तो बढ़ती जाएगी, तो चीजें बढ़ती जाएगी तो परफेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट है? हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको जीएम में लेके आता हूँ इसी टेक्निक्स को, ठीक है? प्लीज मेक द नोट ऑफ ऑल दोस थिंग्स, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ कि सीधा सीधा आप जनरल एपी लिख दीजिए, जो कोई नहीं भूलता। जनरल एपी का जो एनएथ टर्म है ना, उसके आगे दो टर्म लिख लीजिए, टोटल एन प्लस टू टर्म मिलेगी। जो लास्ट वाला टर्म है ना, उसको आप बी बोल लीजिए, लास्ट वाले टर्म को बी। तो बी बोलने से ए और बी के बीच में ये एन अरिथमेटिक मीन्स हो जाएंगे। अरिथमेटिक मीन्स ये क्यों होंगे, क्योंकि हमने सबने देखा है कि एपी में जो सेकंड टर्म है वो पहले और थर्ड टर्म का जीएम एएम होता है, थर्ड टर्म में से सेकंड और फोर्थ का एएम होता है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी लागू होगी जीएम में, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? सो वी विल नाउ मूव फॉरवर्ड टू दी जीएम। नोट कर लिया आपने? ठीक है साहब, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं जीएम के बारे में। तो जैसे मैंने टेक्निक्स आपको अरिथमेटिक मीन की बताई थी, सेम टेक्निक्स को यहाँ अप्लाई कर दीजिए, सारी चीज ऑटोमेटिकली निकलने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे भी जैसे वहां जनरल एपी से स्टार्ट किया था, वैसे यहाँ पे भी हमको जनरल जीपी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जनरल जीपी जो होता है वो कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो जनरल जीपी आपका क्या है, ए आर स्क्वेयर लाइक दैट, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये आपका एन एफ टर्म होता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि एन एफ टर्म है तो आर की पावर एक कम होगी, थर्ड टर्म है तो आर की पावर टू होगी, फोर्थ टर्म होगी तो आर की पावर थ्री होगी, ठीक है सर? अब ये टोटल एन टर्म्स है, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब क्या करो, सी दो टर्म्स और ऐड कर दो इसके आगे, तो टोटल एन प्लस टू टर्म्स हो जाएंगे। तो अब ये एन प्लस वन टर्म हो जाएगा, आर की पावर एन हो जाएगा, एन प्लस वन टर्म, ठीक है? और ये ए आर की पावर एन प्लस वन, ये हो जाएगा एन प्लस टू एथ टर्म। और इस एन इसको हमने कंसिडर करना है एक क्वांटिटी बी, करेक्ट है? तो यहां पे भी सेम चीज होगा, जैसे आपने देखा था ना कि ए बी सी में ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता था, ये आपका क्या होता था, ज्योमेट्रिक मीन होता था। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एवरी टर्म्स ऑफ जीपी एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट वन, ठीक है? लास्ट वन को हम इसीलिए कंसिडर नहीं करते, जैसे अभी मैंने बताया ना आगे दो टर्म बढ़ा दिए तो वो भी जीपी जीएम बन जाता है, इसलिए एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म ही बोलते हैं। पर आप समझ लीजिए बात को। सो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एवरी टर्म्स ऑफ जीपी इज ज्योमेट्रिक मीन जीएम ऑफ इट्स प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। अपने सक्सेसर और प्रीडिसेसर का जीएम होता है, मतलब अपने पहले और अपने बाद वाले टर्म्स का जीएम होता है, एवरी टर्म्स ऑफ जीपी एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, ठीक है? तो ये आपका जीएम हो गया ए और सी का। अगर मैंने यहां पे डी कर दिया तो अब क्या देखेंगे कि ये सी जीएम हो जाएगा अपने बी और डी का। तो इसका मतलब ये हो गया, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जीएम है जी वन, ये जीएम है जी टू, ये इसको लेते किसको, इसको ये जीएम है जी एन, ठीक है? और ये जी एन माइनस वन वाला, ठीक है? क्योंकि यहां से लेके यहां तक के ये एन टर्म्स होंगे, और सॉरी यहां से लेके यहां तक के, और ये दो अलग से टर्म्स जोड़ दिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू हो जाएंगे। तो ठीक है, अब ए और बी को अलग कर दीजिए, तो ये बचे एन टर्म्स, ये एन जीएम इंसर्ट किया है, ऐसे हम बोलेंगे ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में हमने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है। तो जीवन का फॉर्मूला मिल गया था, जीवन क्या मिला बोलो, जीवन ए आर मिला, जीवन ए आर मिला, जी टू क्या मिला, जी टू ए आर स्क्वेयर मिला, और जी एन क्या मिला, जी एन ए आर की पावर एन मिला। लेकिन अब आर कैसे डिटरमाइन करें, देखो ए और बी के बीच में एन
ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, तो ए तो दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो चलो ठीक है ए मिल गया, तो आर कैसे निकाले, आर यहां से निकलेगा, एक्चुअली में बी क्या है, बी ए है, ए इंटू आर की पावर एन प्लस वन, मतलब बी बाई ए इक्वल टू आर की पावर एन प्लस वन, तो मुझे आर निकालना है। अब मान लिया जाए आर स्क्वायर इक्वल टू बी बाई ए होता, तो आर कैसे निकलता, बी बाई ए की पावर वन बाई टू करते ना, अगर आर क्यूब इक्वल टू बी बाई ए होता तो आर कैसे निकालते, बी बाई ए की पावर वन बाई थ्री करते कि नहीं, स्क्वेयरिंग करते स्क्वेयर रूट ले लेते, आर स्क्वेयर से आर कब आएगा, जब स्क्वेयर रूट लेंगे मतलब पावर वन बाई टू, आर क्यूब से आर कब आएगा, जब क्यूब रूट ले लेंगे मतलब पावर वन बाई थ्री। अच्छा साहब ये आर की पावर एन प्लस वन है, तो आर की पावर एन प्लस वन में से आर कब निकलेगा, आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा जब बी बाई ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन निकालेंगे तब हमको आर निकलेगा। तो देखो ये वाला फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि सारी दुनिया को जो भी हम प्रिपरेशन करते जनरल एपी और जनरल जीपी क्या है सबको मालूम हो जाता है, उनको कुछ उसमें भूलने जैसे कोई बात नहीं, बस एक काम करना है दो स्टेप तक आगे जाना है, एनएस टर्म के बाद में दूसरे दो टर्म्स भी ऐड करना, सबसे लास्ट वाला जो एनएस एन प्लस टू एच टर्म है ना उसको बी मान लेना, फर्स्ट टर्म तो ए फिक्स है और वो ए और बी के बीच में, अब ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स है ना उनको सबको जीएम मान लेना है, करेक्ट है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में हमने एन अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। तो अब ये देखो आर मिल गया, एन है इसलिए एन प्लस वन होगा, अगर मान लीजिए थ्री ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी, फोर ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो एन की वैल्यू फोर हो जाएगी, एंड इन दैट वे द थिंग्स विल कंटिन्यू, करेक्ट है कि। अच्छा साहब आर मिल गया बी बाई ए दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन, फाइन, तो यहां से अब आप सारी चीजों को निकाल सकते हो, तो बोलो जी वन क्या होगा, तो जी वन होगा ए इंटू आर, आर इज वॉट बी बाई ए अपॉन वन अपॉन एन प्लस वन, ओके जी टू क्या होगा बोलो, ए इंटू बी बाई ए आर स्क्वेयर है जी टू में आर स्क्वेयर, और आर ये है इसका स्क्वेयर कैसे करेंगे मालूम है, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये टू अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, और लाइक दैट बेटा जी एन हो जाएगा, जी एन ए इंटू बी बाई ए और इसकी पावर एन प्लस वन, और इसका पूरे की पावर क्या एन करेंगे, मतलब यहाँ एन आ जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन, समझ में आया, जी टू क्या है यहाँ टू अपॉन एन प्लस वन, जब ये केसेस तब हो रहे जब एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे, करेक्ट है कि नहीं, हाँ एन की वैल्यू, अब अगर थ्री ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी, माइंड इट। अब ये सारी चीजों को इसीलिए मैंने बोला जब एम और जीएम दोनों एक साथ आते हैं, और अगर आपका याद करने का फंडा है तो आपको तकलीफ जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीजें रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टेक्निक लगानी पड़ेगी ना, ये टेक्निक बताने का काम हमारा है। तो अब मैंने क्या टेक्निक बताई कि आपको जनरल एपी तो सबको मालूम होता है, जनरल जीपी सबको मालूम होता है, बस उसी से ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली निकल जाती है। क्या काम करना है, टोटल एन प्लस टूएथ टर्म लिख देना है जनरल एपी में या जनरल जीपी में, मतलब जो टीएन तक हम लिखने की आदत होती थी उसके आगे दो टर्म्स तक चले जाना है, फिर वो लास्ट वाले टर्म को बी मान लीजिए, बाकी सब बीच में आ गए, वो अगर एपी की बात कर रहे तो सब एएम हो जाएंगे और अगर जीपी की बात कर रहे तो सब जीएम हो जाएंगे, तो फिर इंसर्ट करने वाला कहां से। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आया, जैसे वहां पे सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन का रिजल्ट देखा था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, ये जीएन इसकी बात करेंगे, ठीक है सर, जीएन क्या है, जीएन ए आर है, जैसे मैंने बोला था जीपी में प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट ही चलता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा ए आर स्क्वेयर हो जाएगा, ये ए आर क्यूब हो जाएगा, लाइक दैट ए आर की पावर एन, टोटल एन टर्म्स है तो ए कितनी बार मल्टीप्लाइड हुआ है एन टर्म्स, तो ए की पावर एन, और आर में मल्टीप्लाइड हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू दी एन, इसका फॉर्मूला लगा दो ए की पावर एन आर की पावर एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, करेक्ट है क्या, आर की पावर एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और आर को रिप्लेस करो क्योंकि मुझे सिर्फ ए और बी दिया हुआ है, तो आर को रिप्लेस करेंगे इससे, तो ये ए की पावर एन हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा बी बाई ए और इसकी पावर वन अपॉन एन प्लस वन, और फिर इस पूरे की पावर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो ये एन प्लस वन कर जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है,
एन प्लस वन, एन प्लस वन कट गया, तो ये बेटा ए की पावर एन इंटू बी की बाई ए की पावर एन बाई टू हो जाएगी, मतलब ए की पावर एन बी की पावर एन बाई टू डिवाइडेड बाई ए की पावर एन बाई टू। लॉज ऑफ इंडेक्सेस मालूम हो गया। अब ए की पावर एन न्यूमरेटर में है और ए की पावर एन बाई टू आपका डिनोमेटर में, तो आप क्या करेंगे पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो अब क्या करूं मैं इसको यहां लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू ए की पावर एन में से एन बाई टू को सब्ट्रैक्ट करो, एन माइनस एन बाई टू इंटू बी की पावर एन बाई टू, तो ये ए की पावर एन बाई टू हो जाएगा, बी की पावर एन बाई टू हो जाएगा, करेक्ट है। ओवरऑल अब ये क्या होगा, ए बी की पावर एन बाई टू होगा, ए बी की पावर एन बाई टू, ठीक है, फाइन, दिख रहा है, ए बी की पावर एन बाई टू, ये यहां से हमने इसको लेके आए, करेक्ट। तो ए बी की पावर एन बाई टू यहां लिख देता हूं मैं, ए बी की पावर एन बाई टू को ऐसे लिख देता हूं, रूट ए बी इसकी पावर एन, ये तो वही है ना, रूट ए बी इसकी पावर एन, करेक्ट है। और रूट ए बी क्या है, ए और बी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां से मुझे जी वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री इंटू जी एन जो मिला वो एक्चुअली में nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन मिला। वहां अरिथमेटिक मीन में कैसा रिजल्ट है और यहां ज्योमेट्रिक मीन में कैसा रिजल्ट है, प्लीज नोट कर लीजिए सारी चीजों को, नोट कर लीजिए। ये चीज को फिर मैं फिर से करा देता हूं ब्रॉडर वे में, आप पहले ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके फाइन, तो अब चीजों को आपने देख लिया कि ये कैसे होता है और इसकी क्या टेक्निक्स है, सारे रिजल्ट्स को हमने आसानी से समझ लिया है, आप सिर्फ जनरल एपी और जनरल जीपी की बात करेंगे, तो ये रिजल्ट्स को मैं एक बार फिर प्रूफ कर देता हूं, है ना। क्या प्रूफ किया था हमने, ये किया था बेटा, जल्दी जल्दी कर देता हूं मैं, ठीक है, जी वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री जी एन इसकी बात कर रहे, ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, जी टू है तो आर स्क्वायर, जी थ्री है तो ए आर क्यूब, लाइक दैट मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर की पावर एन, टोटल एन टर्म्स है तो एन ए हो जाएगा, आर की पावर में वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन हो जाएगा, तो ये एन ए हो जाएगा, आर की पावर में एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, लेकिन आर क्या होता है, बी बाई ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। अब ये वाला फार्मूला याद नहीं रहता इसलिए मैंने वो टेक्निक बताई थी, जनरल जीपी का कॉन्सेप्ट, करेक्ट है ना, तो ये सब अपने आप निकल जाता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ये कैंसल हो गया, तो फाइनली एन ए ये बी बाई ए की पावर एन बाई टू। अब ये वाली अलजेब्रा, इसके पहले एक प्रॉब्लम आया था प्रोडक्ट वाला, तो मैंने बता दिया ये अलावा, ठीक है साहब, ओके फाइन, ए की पावर एन होगा ये, ए एन ए नहीं, ए की पावर एन, ए की पावर एन, ए की पावर एन, ठीक है, एन ए नहीं, ए की पावर एन, ऐड नहीं कर रहे मल्टीप्लाई कर रहे, तो ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाइड करते हैं तो ए की पावर एन हो जाता है, ठीक है साहब, तो ये ए की पावर एन हो गया, कोई इशू नहीं है, और ये बी की पावर एन बाई टू और ये ए की पावर एन बाई टू, लॉज ऑफ इंडेक्सेस लगाएंगे तो खाली एन बाई टू बी की पावर एन बाई टू, करेक्ट है कि नहीं। ओवरऑल ये क्या बन गया, ए बी की पावर एन बाई टू, इसको थोड़ा रीअरेंज किया तो ये रूट ए बी की पावर एन ये मिला मुझे, तो ये जी वन इंटू जी टू अप टू जी एन इसका कॉन्सेप्ट मुझे क्या मिला, वो ये मिला कि प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एन एथ पावर ऑफ देयर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, करेक्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब आप ये दोनों रिजल्ट को एक साथ फिर नोट कर लीजिए, कौन से दोनों रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो अरिथमेटिक मीन वाला और ये ज्योमेट्रिक मीन वाला रिजल्ट, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स को देखेंगे, साथ में ही चलाना है। तो देखो ए ए वन ए टू और ये ए एन और ये बी, ये होता था, और यहाँ पे ए
G1, G2 और ये GN, और ये भी होता था, मतलब A और B के बीच में N अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, A और B के बीच में N ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट किया, तो यहाँ पे ये रिजल्ट होता था AN इज इक्वल टू N टाइम्स A प्लस B बाई टू। और यहाँ क्या रिजल्ट हो रहा है, यहाँ हो रहा है G1 इंटू G2 इंटू GN इज इक्वल टू सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर, करेक्ट है? प्लीज मेक द नोट ऑफ दिस, क्योंकि अब ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होते हैं, करेक्ट है? यहाँ इंसर्ट करने के तरीके के लिए डी जो निकाल देते हैं, आपको अगर डायरेक्टली मालूम है तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होता था, करेक्ट है? और यहाँ पे आर आता है बी बाई ए इक्वल अ पावर वन अपॉन एन प्लस वन, ये इंसर्ट करने के लिए। अगर ये फॉर्मूले भूल जाए तो, और ये रिजल्ट भी भूल जाए, तो आपको मैंने बताया था कि जनरल एपी और जनरल जीपी ये कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना, तो आपका काम ओके हो जाएगा। फाइन, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इंसर्ट करना है और इस रिजल्ट के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, इंसर्ट फाई ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्ट फाई ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने वाला, बिटवीन 3 एंड 192, 3 एंड 192 के बीच में फाई ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। ए का वैल्यू 3 है बेटा, बी का वैल्यू 192 है, करेक्ट है? ओके साहब, आर का वैल्यू क्या होता है, अच्छा एन का वैल्यू देखो कितना है, 5 है, और आर का वैल्यू होता है बी अपॉन ए पावर एन प्लस वन, बी कितना है 192 है, ए कितना है 3 है, वन अपॉन एन कितना है 5, ये हो गया 64 की पावर 1/6 आएगा, 64 मतलब 2 की पावर 6, इसकी पावर 1/6 मतलब 2, आर 2 आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, ए कितना है 3 है, अब ए आर आएगा, ए आर स्क्वेयर आएगा, ए आर क्यूब आएगा, ए आर 4 आएगा, ए आर 5 आएगा, 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना था, बस इतना ही काम खत्म, और लास्ट में क्या आएगा 192, तो ये हो जाएगा 3 ar 3 into 2 कितना हुआ 6, 3 into 4 कितना हुआ 12, 3 into 8 24, 3 into ar 4 3 into 16 48, और 3 into 32 96 और 192, ये मिल गया जीपी। ये हो गए 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने वाला, नोट नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, कैलकुलेशन ओके है, कोई इशू नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 24, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 24, 3 और 24 के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करिए, ठीक है? हाँ जी, तो देखो फिर से वही बात, 3 और 24 में ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 24 है और एन की वैल्यू 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो 2 है, तो आर का फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए 1/n+1, बी यहाँ पे 24 है, ए 3 है और 1/n+1 मतलब 2+1 8 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा मतलब 2 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू 2 आ गई, तो अब देखो ए तो 3 है तो यहाँ आएगा ए आर, यहाँ आएगा ए आर, इसको लास्ट वाला टर्म 24 बनेगा, ये 2 ज्योमेट्रिक मीन मैंने इंसर्ट कर दिया, तो निकाल लेते हैं ए कितना है 3 है, आर कितना है 2 है, 3 2 6, अब ये 3 into 4 12 और 24 अभी वाला ही क्वेश्चन हो गया है, करेक्ट है? ये हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 8, इंपॉर्टेंट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 8,
दो और एट के बीच में जो हमने फाइव ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है उनका प्रोडक्ट की बात करो। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे ए और बी निकाल लो, व्हाट इज इट, टू और एट के बीच में, तो ए टू हो गया और बी कितना हो गया, एट हो गया, कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है, फाइव, एन इक्वल टू फाइव, तो जी वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री इंटू जी फोर इंटू जी फाइव ये पूछा है, और इसका फॉर्मूला सीधा सीधा रूट ऑफ ए बी और इसकी पावर फिफ्थ हो जाएगी, करेक्ट है कि नहीं, यही काम करना है अपने को, ए बी रूट ऑफ ए बी, ए कितना है टू है और ये कितना है एट और इसकी पावर कितनी फाइव, तो ये सिक्सटीन, फोर की पावर फाइव, इसी को आप टू की पावर टेन भी लिख सकते हैं, और द पॉइंट, चलिए दूसरा आप करिए, इसको नोट भी कर लीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, नोट कर लीजिए एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टेन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन वन एंड फोर्टी नाइन, टेन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन वन एंड फोर्टी नाइन कर लीजिए, ओके कर लिया, कोई इश्यू नहीं है, सेवन की पावर टेन आ गया, ठीक है फाइन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो जेई में आते हैं या जेई में पूछे गए हैं, 2018 या 14 मेंस का भी क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब हम इम्पोर्टेंट सेगमेंट में आ गए हैं, जेई के सेगमेंट में आ गए, जो अभी तक के हमने रिजल्ट डिस्कस किए थे उनके ऊपर ये प्रॉब्लम्स रहेंगे और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है। तो पहला प्रॉब्लम देख लिया, इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में ए एक अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, एंड जी वन जी टू आर टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एंड सी, जी वन जी टू ज्योमेट्रिक मीन है बी और सी के बीच में, मतलब दो ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया है, करेक्ट है कि नहीं, हाँ, देन प्रूव दैट जी वन क्यूब प्लस जी टू क्यूब इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी। अब ये प्रूव दैट वाले को आप ऑप्शन में बना दीजिए, सो ऑप्शन में कैसा हो जाएगा, जी वन क्यूब प्लस जी टू क्यूब इक्वल टू ऑप्शन ए ए बी सी, ऑप्शन बी ट्वाइस ए बी सी, ऑप्शन सी ए बी सी बाई टू, और ऐसे ही कोई दूसरा भी ऑप्शन लिख सकते ए बी बाई टू प्लस सी बाई टू, ठीक है, तो ये ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं, मैंने इसको प्रूव दैट में दिया है, बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एम जी एम दोनों का कॉन्सेप्ट आ रहा है, करेक्ट है, हाँ जी। तो अब इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आप कैसे, जो भी आपने जो टेक्निक अभी तक के पढ़ी है उन सबको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी, तो यहां से मुझे पता चल गया अरिथमेटिक मीन है ए, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाय टू, ये एक इंफॉर्मेशन को मैंने यूटिलाइज कर लिया, बस इतना चीज इससे क्लियर होता है कि ए अगर अरिथमेटिक मीन है बिटवीन बी एंड सी, ठीक है कि नहीं, तो ये चीज एक चीज इंफॉर्मेशन यूज हो गई। अब दूसरा जी वन जी टू जी एम बिटवीन बी एंड सी, तो जी वन कैसे निकालेंगे, देखो बी ये है, जी वन ये है और जी टू ये है और ये सी है, हाँ, अब मुझे ये जीपी मिलता है, तो वो टेक्निक लगा देना है कि आपका पहले आर तो पता हो, तो आर कैसा होगा, आर ऐसा होगा सी बाई बी, सी बाई बी वन अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस वन यहाँ पे टू है, एन एन टू है, तो ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। अब ये फार्मूला आप अगर भूल जाते हो तो आप क्या करेंगे, अगर आप भूल जाते हो तो इस फॉर्मूले को भूलने का टेक्निक अगर आपको आ गया है तो आप इसको ले लीजिए बी आर, क्योंकि ये बी है, ये हो जाएगा आपका बी आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बी आर क्यूब, करेक्ट है कि नहीं, है कि नहीं, तो अब यहां से आप देखेंगे ये जो सी है वो बी आर क्यूब है, बी के टर्म्स में ना, बी के टर्म्स में, बी फर्स्ट टर्म हो गया तो सी क्या बन गया आपका बी आर क्यूब, करेक्ट है कि नहीं, अगर वो फार्मूला भूल गए तो आप ऐसे कर लो बी को फर्स्ट टर्म मान के जनरल जीपी बना दो, सही है, तो ये बी आर क्यूब हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से आर मिल जाएगा सी बाई बी की पावर वन बाई थ्री
इक्वल टू आर, ये मिल गया आर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आर मिल गया, ठीक आर मिल गया। ओके अब आर मिल गया तो जीवन मिल गया, बोलो जीवन क्या होगा, जीवन तो बी आर है, मतलब बी इंटू आर कितना है सी बाई बी इसकी पावर वन बाई थ्री। अब लेकिन आपको क्वेश्चन में जीवन क्यूब निकालना है, क्यूब भी निकाल लो तो ये बी क्यूब हो जाएगा, सी बाई बी हो जाएगा, क्यूब बढ़ जाएगा, तो ये बेटा बी स्क्वेयर, अब ऐसे भी लिख सकते इतना ही रन दो, तो ये एक चीज निकल गई। सिमिलरली आप जी टू क्यूब भी निकाल सकते हो, जी टू क्यूब कैसे निकालोगे अब उसको देखते हैं, ठीक है नोट भी कर लीजिए। अब आते हैं जी टू क्यूब के ऊपर, जी टू कैसे आएगा, जी टू ये है बी आर स्क्वेयर, बी आर स्क्वेयर, आर मतलब सी बाई बी, स्क्वेयर मतलब टू बाई थ्री, ठीक है देखो c by b की पावर 1 by 3 और फिर इसकी पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 by 3। चलिए अब g2 क्यूब निकाल लीजिए, g2 क्यूब क्या हो जाएगा b क्यूब और ये हो जाएगा c by b का स्क्वायर, करेक्ट हो गया। आपने g1 क्यूब भी निकाल लिया, g2 क्यूब भी निकाल लिया और अब g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब निकाल लीजिए, फिर बाद में ये कंडीशंस को भी यूटिलाइज कर लीजिए जो यहां मैंने लिखा है, करेक्ट है। हाँ जी तो यहां मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है तो g1 का क्यूब प्लस g2 का क्यूब इक्वल टू b क्यूब c बाई d प्लस b क्यूब c बाई b का स्क्वायर। चलो यहां से आप b क्यूब कॉमन ले लो तो यहां बचेगा c बाई d, यहां बचेगा c बाई b का स्क्वायर, करेक्ट है क्या, तो ये b क्यूब ये सिंप्लीफिकेशन है, c बाई b प्लस c स्क्वायर बाई b स्क्वायर, एलसीएम ले लो बी क्यूब एलसीएम आएगा बी स्क्वेयर, तो ये बी सी और ये सी स्क्वेयर, करेक्ट है ना, ये बी स्क्वेयर से कट गया तो बी, बी स्क्वेयर से बचा बी और यहां से सी कॉमन ले लो, सी कॉमन लेते बी प्लस सी हो जाएगा, करेक्ट है बी प्लस सी, अब यहां से रिप्लेस कर दो टू ए, लास्ट में ये यूज हुआ जो ए का कॉन्सेप्ट है, तो बी सी इंटू टू ए दैट इज इक्वल टू टू ए बी सी, ये हो गया प्रूफ डियर स्टूडेंट, करेक्ट है ये टू ए बी सी प्रूफ हो गया। ये अलजेब्रा कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझना, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन दैट वे वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर अरिथमेटिक मीन एज वेल एज द ज्योमेट्रिक मीन बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व। सो जैसे मैंने बोला ये जनरल जीपी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, सारी चीजें अपने आप याद आ जाएगी, अदरवाइज वो आर क्या होता है ना वही निकालने में बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। प्लीज मेक द नोट ऑफ दिस, हाँ जी नोट कर लिया है, नोट किया, ठीक है पॉज कर लेना वीडियो को और फिर नोट कर लो। अब मैं सेकंड क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूं, तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था, इसको आपने अच्छे से समझना, जो टेक्निक यहाँ यूज की थी फिर इसी के ऊपर क्वेश्चन जनरेट होते हैं। जैसे एक एग्जाम में हुआ है जो मैं बताऊंगा अभी इसके बाद में, पहले एक एग्जाम पर और कर लेते। इफ ए वन ए टू बी टू अरिथमेटिक मीन्स, इफ ए वन ए टू बी टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन बिटवीन एंड जी वन एंड जी टू एंड एंड जी वन एंड जी टू बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन प्लस ए टू अपॉन जी वन इंटू जी टू, इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए ए वन प्लस ए टू और जी वन इंटू जी टू मतलब आपके जो सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी, उन दोनों को एक साथ यूज करना है, करेक्ट है। तो ए ए वन
ए टू बी, ये एपी होता है और हम यहां से जाते हैं कि ए वन प्लस ए टू एन टाइम्स मतलब टू टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक में, ये हो गया मतलब सिंपली ये आ गया ए प्लस बी। अच्छा अब ए जी वन जी टू और बी, ये जीपी होता है और हम जानते हैं कि जी वन इंटू जी टू ये होगा बी बाई ए इसकी पावर वन अपॉन टू प्लस वन होगा, सही है क्या? जी वन इंटू जी टू बी बाई ए वन अपॉन एन प्लस वन, टू है एन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी बाई ए की पावर वन अपॉन थ्री, ठीक है ओके फाइन। अब बस अब आपको यूज कर लेना है यहाँ से, सॉरी मैंने गलत कर दिया, जी वन जी टू का फॉर्मूला गलत लगा दिया, जी वन जी टू, जी वन इंटू जी टू ये फॉर्मूला क्या होता है सिंगल अरिथमेटिक में मतलब रूट ए बी और इसकी पावर है मतलब इसकी पावर टू, ये होता है मतलब ए बी। देखिए कन्फ्यूजन कैसे होता है, हमने वो इंसर्ट करने वाला आर का वैल्यू निकाला था, नहीं प्रोडक्ट, जब जी वन और इंटू जी टू इंटू जी थ्री अप टू जी एन करते हैं तो वो प्रोडक्ट होता है एनथ पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है रूट ऑफ ए बी और उसकी पावर एन करते हैं जब जी वन इंटू जी टू इंटू अप टू दी जी एन करते हैं तो यहाँ पे टू हो जाएगा, तो ये ए बी हो गया फाइनल आंसर। इसका आंसर अब आ गया, बोलो आंसर आएगा, इसका ऊपर हो गया ए प्लस बी और इसके नीचे हो गया ए बी, ठीक है फाइन। अब इसी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, इफ ए वन ए टू बी टू अरिथमेटिक मीन एंड जी वन जी टू बी टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए और बी को मैं चेंज कर देता हूँ 149, 149 कर दिया और सेम क्वेश्चन पूछा ए वन प्लस ए टू जी वन जी टू इक्वल टू क्या होगा, तो भैया ये तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 49, ये आंसर आ गया। देखिए ये क्वेश्चन आपका बन गया न्यूमेरिकल वैल्यूज का, न्यूमेरिकल वैल्यूज में ये क्वेश्चन आ गया, करेक्ट है। सो इफ ए वन ए टू बी टू अरिथमेटिक मीन एंड जी वन जी टू बी टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 49 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाई जी वन इंटू जी टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख लीजिए आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला याद रख लीजिए और फिर ये डाटा चेंज करके ये प्रॉब्लम बनेगा, अच्छा क्वेश्चन हो जाता है न्यूमेरिकल वेराइटी में, प्लीज मेक द नोट ऑफ दैट, ठीक है। फिर मैं आपको अभी बताता हूँ प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, नोट कर लिया, नोट कर लो और ये क्वेश्चंस को आपको करना है, 2015 मेंस का क्वेश्चन है, करेक्ट है, और फिर ये लेक्चर खत्म हो जाता है। सो स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2015 मेंस जो हमने इसके जस्ट लास्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखा था ना उसका ही क्वेश्चन है ये, और ये मेंस में आया था 15th में। इफ एम इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंग रियल नंबर एल एन एन, ठीक है, एंड जी वन जी टू जी थ्री, जी वन जी टू जी थ्री आर थ्री ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एल एंड एन, देन जी वन फोर प्लस टू जी टू फोर प्लस जी थ्री फोर की वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग में यहाँ से करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर मेरा जिसके ऊपर रहेगा ये आपको मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप बना के रखिए और अगर ये सॉल्व कर लेते तो एप्लीकेशन में बता देना मेरे को इसका सॉल्यूशन, और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट में यहाँ से करूँगा। हाँ तो हिंट तो मैं दे देता हूँ, एम इज द अरिथमेटिक मीन तो एम का वैल्यू तो मिल गया एल प्लस एन अपॉन टू, कोई इशू नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन मैंने यूज कर लिया। अब जी वन जी टू जी थ्री किसके बीच में, एल और एन के बीच में, जी वन जी टू जी थ्री और एल, तो जी वन कैसे निकालना है जी टू कैसे निकालना है जी थ्री कैसे निकालना है वो बता दिया था, इसको एल लिख लो, इसको आपको एल इंटू आर लिखो, इसको आप एल इंटू आर स्क्वायर लिखो, एल इंटू आर क्यूब लिखो और एन को लिखो एल इंटू आर की पावर फोर, करेक्ट है, जीपी बना दो, तो यहां से एल इंटू आर की पावर फोर इज एन हो जाएगा, करेक्ट है, तो आर मिल गया एन बाई एल इसकी पावर वन बाई फोर, करेक्ट है, एक बार आर मिल गया तो एल आर मिल जाएगा, एल आर क्यूब मिल जाएगा मतलब जी वन मिल जाएगा, जी टू मिल जाएगा, जी थ्री मिल जाएगा और इनकी पावर फोर करके फिर इसको बना लेना है, तो आपका ऑप्शन कौन सा है एटलीस्ट मेरे को वो लिख के दे देना, एप्लीकेशन में बता देना अगर आपने इसको देख लिया, ठीक है फाइन ओके बाय।